शोरूम स्टार्ट, अभी आप चेक करें सारी गाड़ियाँ इधर से लेके उधर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शोरूम में साथ में आते हैं, इस तरह खड़ी हुई है बगैर नंबर प्लेट वगैरह की सारी चीज़ें। कहूँगा कोई नया मॉडल इधर खड़ा हुआ है, सिर्फ ये पीस लगा हुआ है इसका, बस क्या हिसाब का रेट चल रहा है। ये फरारी चेक करें भाई, कोई पुराने मॉडल का ऐसी खड़ा हुआ है बेचारा, बस तीन गाड़ियों का देख ऐसी खड़ी हुई है। गाड़ी चेक करें जे एमआर, ऐसी खड़ी हुई है भाई, नो लिफ्ट, टायरे वायरे पंचर हो चुके हैं। जो हमें ढूंढा है तो वो नहीं मिली, एक मजदार एक सीट खड़ी हुई है, 3 लाख डिमांड है इसका, इंजन बैक पे रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस आज के सीन कुछ ऐसे, वालेकुम सलाम जाओ दे, फिर देखते हैं क्या सीन। भाई ने साइकिल भी पकड़ लिया इमरान का, ओ इमरान को पैदल भेज रहे हैं, किधर गए वो है? आपका भाई हर चीज चला लेते हैं, ट्रक से लेके पॉड से लेके मार्केट से लेके नीचे से ऑटोमेटिक मैनुअल जो चीज मेरे पास, मेरे हाथ में जांच भी दे दो इंशाल्लाह चला के आप लोगों को दिखा देंगे। नाइस, टेंशन नहीं लेनी। ये भाई मेरा दोस्त जा रहा है, कितने की हाल है उस्ताद? ये उस्ताद कितने कितने कैसे हो, ठीक हो? भैन का काम कर जाके डांग मारे डांग पे, नहीं नहीं इधर बिठा के ले जाऊंगा मैं, चलो आ जाओ भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं जाने देगा भाई, इमरान भाई को बिठाते इसको आज ले जाता, आज को मैं इसके साइकिल बेस को घुमाता। कम है हवा, कम है हवा, जितना भी है तुम चढ़ो, चढ़ने वाला बनो भाई। इमरान भाई को उठाए, इतना वजन है छोटा लेकिन वजन इसका ऐसे कि अच्छे खासे का हवा टाइट कर दे, निकलते हैं सीधा भाई घूमते फिरते हैं थोड़ा। इमरान भाई को मार्केट पे ले, जिसको गोश्त देखना नहीं आता, इसको 10 बार समझाना पड़ता है कौन सा गोश्त लाओ, लाता क्या है, पुराना ले आते उठा के, अभी जाके उसको ताज़ा पकड़वाते फिर इसको बेचते हैं सीधा घर। ये इमरान भाई को बैठा हुआ है, बैठा इस दुकान में बोल रहे, उस दुकान में महंगा मिल रहा था, फटे क्यों करवा रहे हो तुम उनका? नहीं कीमत एक करे ना, हाँ ना कीमत एक करे, तुमको समझ नहीं आता कैसे लेना है? नहीं मालूम है ना, होता है ना, खाना पीना आता है, खाना बेस्ट है, समझ नहीं आता कैसे वो करना है लेना है यार, मालूम नहीं होता है ना, पहले मालूम होता। बस अभी देखो, अभी आंखें थोड़ा खोल के देखो, ये व्लॉग अपलोड करूंगा हर दिन यूट्यूब पे, देखो फिर तुम्हें पता चलेगा कैसे लेना है। इमरान को बेचते, थोड़ा चलते अपने दोस्त के पास मलंग में, संग है क्या पका रहे बनाओ, ये कौन है संग है छोटा डाउन भी आ गया, हाँ मजा आया, मेरे कान फाड़ दिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो भाई। ये कौन सा पड़ा था, कान हमारे फाड़ दिए रिजवान भाई, ये क्या सीन है? हाँ गजेंद्र भाई, यूनुस भाई, यूनुस भाई क्या गंदा के, रुको हटा रहे ना, नहीं ला रहा, नहीं ला रहा, रुको छोड़, नहीं ला रहा। चेक करो, नो सब्सक्राइब किया ना, अभी अगर कर दिया ना खैर नहीं, इधर 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 मोबाइल लगा, इधर पे चैनल का नाम क्या, यूनुस भाई ने तो भाई सब्सक्राइब किया हुआ है, वाह भाई वाह, चैनल का नाम ही नहीं पता है गले को, रुको माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये भाई गद्दार इंसान, लाइक लाइक तुमको देखे, लाइक तुमको देखे, कैसा गद्दार लाइक निकल गया तुमको, लाइक यार नेट नहीं चल रहा है भाई। एक बंदा मेरा पकड़ के, मेरा सबसे स्टार्टिंग का जो मेरा फैन था, जो पहला पहला वीडियो मुझे दिखा भाई, ये बाकी फैन बने फिरते हैं उनको मैं इतना खास नहीं था, सबसे पहले मैंने जिनसे मिला जिसको जाना वो भाई ये लड़का है, क्या नाम है मोहम्मद, को इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे हो? नहीं हो बिल्कुल, बस YouTube पे हाँ क्या, हाँ क्या क्या, क्यों हंस रहे हो भाई? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे भाई। इस भाई के थोड़े टॉन्सिल्स आए हुए ना, इस वजह से बात नहीं कर सकता भाई, इस जैसे आधे कद के इंसान हंस रहे होते इन पे बच्चों पे। और गला वाला सही है आपका, गला वाला ओके है, ठीक है, बात नहीं कर सकता, और ये हंस रहे, ये देखो इंसान है जानवर है पता नहीं क्या है, आओ ना बात करो, हंसो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, हंसो भाई, भाई खामोश क्यों, कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? दूसरे के घर में किधर जा रहे हो, आओ ना मोहम्मद भाई, आप कद करते हैं, कद करते हैं। अरे सच में कद नहीं लूंगा।
भाग रहे किधर है भाई, भाग गए रिजवान भाई। भाई बच्चे को छेड़ रहा था उसको, हमने इतना छेड़ा आते कद वाले इंसान को। हाँ गया इधर गए तो बिल्कुल गया। रुको एक वापस आओ, रुको एक कंबा ये दूसरा कंबा इधर किधर घूम रहे हैं यूनुस भाई। एक तो आप इतने ओहो माशाल्लाह, मुझे देखने देख कैसे देखना पड़ता है सच में। एक तो इंतहाई का छोटा, एक इंतहाई का लंबा। यार बेचारे के साथ कोई कद मत शेयर करो, कोई गरीब के साथ कोई कद। वो तो बिल्कुल गया, अरे ये तो बिल्कुल चला ही गया। सच में जा रहे हैं? नहीं नहीं दूसरे गली से आएगा, मतलब इसको छोटू को पता है ऐसे थक गया फिर के इधर से इधर गली के इस कोने से निकल के कैमरा देख अभी शॉट कर अपने को। चाबी निकालो मुझसे भाई। देख उसको भाई बेचारे को बहुत मारा है, जुलूम हुआ है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है बंद करो यार बंद करो पहले बोलो माजरत आइंदा नहीं बोला से क्या माजरत करेगा तो वरना छोड़ेंगे वरना तो इस छोटे बच्चे पे है तुम। इधर हम भी तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, बनाओ 10 बार बनाओ। ए यूट्यूबर काल है ये देखो। हां बनाओ भाई। हां 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 गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देखो भाई, बच्चा भी बड़ा है तुमसे। यूनुस भाई आप तो इससे बहुत है, आपके बिल्कुल पाचे के नीचे आते हैं। माजरत नहीं करेगा फिर तुम? नहीं करेगा। कद देखो उसके, ये देखो इधर रुको रुको ये देखो यूनुस कड़ा हो कड़ा हो। तुम तो दफन है जमीन में बच्चा भी तुमसे लंबा है खाना, बस ना कटवाया हमारा, बस बनाएगी। लाइक सब्सक्राइब गाइड शेयर और ये ब्लॉग आपको रिजवान भाई के चैनल पे दिखेगा, लाइक और सब्सक्राइब करना है। डन हो गया, तुमको फ्री में शाउट आउट भी दे दे के यार, तक 8000 में देते हैं हम लोगों को, तुम जैसे को फ्री में दे दिया, बस एंजॉय। ये भाई एक दौर में हम ब्लॉगिंग करते हैं उस टाइम इसका एक पूरा वायरल हुआ था, कौन सा किस्सा था वायरल हुआ था? हाँ बदमाश वाला किस्सा था सही। कौन है भाई? नासिर भाई मिलकर, नासिर भाई किधर किधर घूम रहे हो? कोटा में इधर टेंशन टेंशन में क्यों हो? इधर इधर किधर घूम रहे हो हमारे इलाके में? अच्छा बाजार। अभी हमें आज मार्केट घुमाओ, आज मार्केट घुमाओ हमें फ्री में भाई। हाँ। फ्री में घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे? घुमाएंगे। अच्छा भाई ये कोयटा का रक्षा, ये अभी हैदराबाद ही हो या पंजाब का रक्षा हो, 1 लाख या 1.5 लाख में आ जाते हैं, और इनके रेट है कोई 12 लाख। ये अभी कितने का रक्षा है? 12 लाख 13 लाख का। 12 एक बताओ ना, 12 या 13? 13 लाख भाई। ये 13 लाख का रक्षा है, अभी लगता है 13 लाख में तैयार आल्टो मिल जाए आप लोग को भाई। 13 लाख का गाड़ी लेके हो भर के रक्षा लेके बैठा है, तो इसमें घूमने में मजा भी आएगा ना कि 13 लाख चीज में। अभी हैदराबाद में साइड जाओ 80,000 1 लाख तक मिल जाए, इधर परमिट वाला सीन है ना, परमिट पे रक्षे मिलते हैं, ऐसे परमिट के बगैर कोई चला ही नहीं सकता, वरना तो नॉन कस्टम में शुमार हो जाती है। तो ये सीन है इधर का भाई, परमिट लेके चलाओ क्योंकि इधर कमाई टाइट है ना, उधर तो 20 रुपए में भी काम हो जाता है, इधर 350 वैसे। डबल रोड का कितना लेते हो आप जाने का? इधर का 400 कंफ्यूज की हो भाई, 400 लेते हैं। निकलते हैं लोकेशन पे, आप लोग आज दिखाते हैं कुछ ऐसी गाड़ियां जो जंग खा रही है, स्पोर्ट्स कार खड़े वो आपको आज दिखाते हैं, फिर अगले दिन इंशाल्लाह रात है एक गाड़ी भी देखना है और एक चीज भी आप लोगों को इंशाल्लाह सरप्राइज है। ओके हो गया, निकले फिर। 2000 years later विंटर होते हुए आपको एनसीपी कार्स दिखाते हैं जो ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब कोई चलाता भी नहीं है, मतलब खास ऐसे खड़े रहते हैं। ये पता नहीं कौन सी भला गाड़ी है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, खुद हाइब्रिड है शायद, स्पोर्ट जी आर चेक करें। अब चलते हैं थोड़ा मार्केट के अंदर, आप लोग दिखाते हैं कौन सी गाड़ी आगे खड़ी हुई है और किस किस किस्म की है, कौन से ओरिजिनल भी काफ़ी है, एनसीबी काफ़ी है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ इधर खड़ी है। तो शोरूम स्टार्ट अभी आप चेक करें, सारी गाड़ियाँ इधर से लेके उधर 3, 4, 5, 6, 7, 8 शोरूम में साथ में आते हैं, इस तरह खड़ी हुई है बगैर नंबर प्लेट वगैरह के साथ। कहूँगा कोई नया मॉडल इधर खड़ा हुआ है, सिर्फ ये पीस लगा हुआ है इसका, बस लोग इतना नहीं उठा। दुबई का मार्केट जैसे नहीं चलता, उसी तरह यहाँ का भी बड़े सेम सीन चलता है, फिर इस तरह गाड़ियों में लोग कम मार डालते। ओ सारे देख बड़े बड़े विट्स के हो गए, कुछ कुछ स्पोर्ट्स कार भी इधर खड़े हुए, हम लोग तो उसी को देखने आए हैं।
ताकि कोई चांस में आदमी चढ़ जाए भाई गाड़ी हमारी तो खड़ी सिस्टम। अरे ऑडी वगैरह तो बेचने की नहीं होती है गाड़ी, बस ऐसी खड़ी की है लोगों ने, कम ही कम चलती है। वो देखे भाई निशान हो गया, अभी मैं फ्रंट से दूसरी गाड़ियाँ दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी इधर खड़ी, सब यही दिखाएंगे आज आप लोगों को। फिर रेटे मेटे मालूम करेंगे, क्रोम वगैरह खड़े उधर काफ़ी, रेटे भाइयों से पूछते हैं क्या हिसाब का रेट चल रहा है। ये फरारी चेक करे भाई, कोई पुराने मॉडल का ऐसे ही खड़ा हुआ है बेचारा, बस सुबह शाम बारिश वगैरह सब हो रहे हो। ये गाड़ी लग्जरी कार है, और लोग बोलते बलूचिस्तान में कुछ नहीं है भाई, ये सीन है बलूचिस्तान में, भरे पड़े इस तरह गाड़ियाँ वैल्यू नहीं देते लोग। अभी आप चेक करें गाड़ियों का, देख ऐसी खड़ी हुई है, ना बेचने की है ना कुछ, बेचते भी नहीं। मैं इन शोरों पे कितनी बार आया, मैंने कहा इसको दो कोई तरतीब बनाते। अभी ये देखे पूरे से लॉक है फिलहाल, मतलब ये सीन है गाड़ियों का माशाल्लाह। ऐसी प्यारी प्यारी गाड़ियों बस ऐसी खड़ी हुई है मिट्टी में रुलने के लिए, दुख होता है यार ऐसी गाड़ी को देख के। हाँ भाई सभी हमने पूछा कोई बेचने का सीन है, लेकिन कहते नहीं, क्या करे अभी खड़े रहने देते। नंबर है भाई का, इधर आप लोग करो और मार्केट जिस टाइप की चलेगा इधर, तो फिलहाल तो भाई ने सिर्फ ओरिजिनल स्टॉक खड़े किए, उसके अलावा क्या बोलते हैं एनसीबी का भी कोई सेटअप चाहिए उसका भी काम करते हैं, ऑक्शन भी करवा के आप लोग दे देंगे, मतलब प्रॉपर टाइप का हर सीन करते हैं वो, मतलब फिर आपको रेट है यही भाई खुद बताएंगे, वो अच्छे समझेंगे चीज को, इस वजह से मुनासिब नहीं लगता किसी की जगह जाओ काफ़ी गाड़ी कोई किसी की है, कोई किसी ने बेच दिया, कोई ऐसा नंबर प्लेट भी शो करना अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग भाई इधर भाई से अलवाल कर सकते हैं इस नंबर पर। गाड़ी चेक करें जी हमार, ऐसी खड़ी हुई है भाई, नो लिफ्ट टायरे वायरे पंचर हो चुके। अभी आप लोग आगे दिखाते हैं स्टॉक इनके, इस तरह होते हैं नंबर प्लेट के भी, किसी के कोई एनसीबी सीन है कोई ओरिजिनल खड़ा है। अभी हम लोग किसी अगर ओरिजिनल को एनसीबी बोल दे तो वो भी गलत हो सकता है हमसे गलती, इस वजह से काफ़ी ओरिजिनल गाड़ियां भी खड़ी है इधर, काफ़ी एनसीबी गाड़ियां भी खड़ी है, मतलब वो बाइक का नंबर है। जिस टाइप का गाड़ी चाहिए होगी स्पोर्ट्स से लेके हर टाइप का गाड़ी आप लोग को बॉर्डर से अवेलेबल भी हो जाएगा, और हर सीन करके बराबर बता देगा आप लोगों। नॉन कस्टम कुत्ता भी इधर जा रहे हैं बिना मालिक के, चलते कोई काट मार नहीं ले, निकल दे सीधा आगे। ओ भाई खड़े निशान सफारी, एनसीपी नहीं है जी आप लोग समझ लो, कोई बाई सर्विस वर्विस करवा रहे, निकलते इधर गाड़ियाँ काफ़ी है, भी आगे दिखाते हैं आप लोगों। जो उन्होंने ढूंढा है तो वो नहीं मिली, एक मजदा आर एक सीट खड़ी हुई है, 3 लाख डिमांड है इसके, इंजन बैक पे रखा हुआ है और गेरे वगैरह इसके, मतलब वो सारे सामान अंदर रखे, 3 लाख डिमांड है इसकी। जिस भाई को चाहिए हो अलवाल कर सकते हैं, इधर कार्ड भी शो करवा देता हूँ भाई का, और एक पीछे खड़े बकाए सारे स्टॉक आधे ज़्यादा बिक चुके हैं, जब नया स्टॉक आएगा किसी दिन इंशाल्लाह उसी पे कोशिश करेंगे कंप्लीट वीडियो बनाए। ये मतलब हर हफ्ते में स्टॉक बदलते रहते हैं, ये तो पुरानी गाड़ी है लेकिन काफ़ी नए गाड़ी आते हैं, इस्लामाबाद वगैरह में ज़्यादातर इनकी मार्केटिंग चलती है। कोई मज़ा आ रहा है, सीट खड़ी हुए मेरे क्राम रिंद के पास, और ये नंबर है उनका, जिस भाई को चाहिए हो हाल वाल कर सकते हैं इनसे, मतलब बातचीत कर सकते हैं। भाई से मार्केटों में घूम रहे चुन चुन के कुछ गाड़ियों से स्पोर्ट्स कार में ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ जो स्पोर्ट्स कार दिखाए, जो बेचने वाले नहीं बिकते, कुछ शौकियाना बंदे काफ़ी लेते इधर, इतने इन गाड़ियों को स्पोर्ट्स को नहीं लिफ्ट करते, जापानी गाड़ियों को हो गए यार इस तरह प्रीमियम वेमियम एक्सियो वगैरह हो गए GLI वगैरह हो गया, मतलब इस टाइप की गाड़ियाँ इधर देखते हैं, मगर स्पोर्ट्स कार पे खास लिफ्ट नहीं होता, जो शौकी बंदे होते हैं वो काफ़ी ढूंढते हैं चीज़ें, इस वजह से मैं सिर्फ स्पोर्ट्स कार ढूंढ रहा हूँ। किसी ने मेन NCP मार्केट में जाएंगे जिधर हज़ारों की तादाद में क्राउन मार्केट वगैरह खड़े हो, इंशाल्लाह सब दिखाएंगे। ऐसीत है लोग ऐसे खड़े करके छोड़ देते हैं, NCP को इतना खास लिफ्ट ही नहीं है। अब ये चेक करें गाड़ी ऐसी खड़ी तबाबाद, ये पता नहीं कौन से सदियों पुरानी वाली वो खड़ी, एक BMW बकाया वो स्पोर्ट्स कार वाले में ढूंढ रहा, जगह नहीं मिल रही मुझे, पहले मैं उधर आता काफ़ी मैंने देखे थे, अभी मिल नहीं रहे, पता नहीं किधर गए, किस जगह पर गए, निकलते आगे फिर देखते हैं कोई ना कहीं दिख जाए कहीं से। ये गाड़ी है भाई खड़ी हुई है, इसका इंजन में भी दुबई से मंगवाए, इसको पूरा मतलब रिन्यू करके फिर उसके बाद उस्ताद भेजेगा, फिर रेट मेट भी मालूम करते आप लोगों को, बता रहे डिटेल से क्या रेट है क्या सीन है इसका, सारा तफसील से बताते आप लोगों। ये जिस बाइक की ऑडी थी उसका नंबर है, अभी नया इंजन भी आ रहा है इसका दुबई से 11-12 समथिंग, मेरे ख्याल इसने भाई ने उसका वो डिमांड रखी हुई है, और जिस बाइक को मतलब चाहिए हो तो इस नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। और चलते हैं मार्केट में काफ़ी चीज़ देखते हैं, ये तो फिलहाल NCP मार्केट नहीं देख रहे हम लोग, फिलहाल वो देख रहे हैं जो मतलब स्पोर्ट्स कार हो गई या इस टाइप की मर्सिडीज़ BMW वगैरह जो मतलब दिख रहे हो मार्केट में। ये इसी मर्सिडीज़ भी खड़ा है लेकिन इसका अभी मालिक नहीं है फिलहाल इधर मौजूद, मतलब उससे रेटे मेटे मालूम कर लेते फिर सारा बता दे। ये भाई E300 समथिंग पीछे लिखा हुआ है अंदर से, ये चले पता करते हैं उसका, फिर देखते हैं अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिल गया तो भाई ये हिसाब है गाड़ी है भाई। ऐसी गाड़ियाँ काफ़ी इधर मिलेगी, मतलब भरा पड़ा है इधर डबल रोड, आप लोगों को हर तरीके का मिलेगा, बहुत सारे इधर खड़े होते हैं चांस पे मिल जाते हैं। The next day. So guys, दूसरा दिन शुरू हो चुका है, दूसरे व्लॉग की तरफ हम जाएंगे क्योंकि कल मैं बहुत थक गया था, बहुत सारे गए गाड़ियों में सौदे मौदे कुछ काम वगैरह सारे वो निपटाए,
तो व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह न्यू कंटेंट के साथ। फिलहाल अभी जाते हैं दूसरे व्लॉग की तरफ, बाय।